बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि मैंने कांग्रेस के राज में 9 साल प्रताड़ना झेली, लेकिन नैतिकता के रास्ते से नहीं हटी। प्रज्ञा ने कहा कि राहुल गांधी को जब ईडी पूछताछ के लिए बुलाती है तो वो पूरी की पूरी कांग्रेस को एक साथ ले आते हैं, जो चिल्ला चिल्ला कर राहुल गांधी का बचाव करती है। प्रज्ञा इन दिनों मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी के लिए प्रचार कर रही हैं और उन्होंने ये बात कही। गौरतलब है कि मालेगांव ब्लास्ट मामले में प्रज्ञा सिंह आरोपी थीं और उस समय वो लंबे समय जेल में रहीं। फिर बीजेपी के टिकट से सांसद का चुनाव जीता और अब वो नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी के लिए प्रचार कर रही हैं। प्रचार के दौरान प्रज्ञा को राहुल, प्रताड़ना और थर्ड डिग्री सब कुछ एक साथ याद आ गया। आप खुद सुने कि क्या कहा साध्वी प्रज्ञा ने। ना मुझे प्रताड़ित किया, मैं कहती 4 बेल्ट अगर ये राहुल गांधी के पीठ में पड़ जाते तो इनको पुरखे याद आते।